फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है, अभी सूरज भी तलू नहीं हुआ और पाकिस्तान के गांव में रेत के टीले पर आकर ऊँटों वालों ने आर्जी तौर पर कैंपिंग की हुई है। अभी ये लोग उठ रहे हैं और अपने कुकिंग की तैयारियां जो हैं वो कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं अभी सोए हुए हैं और कुछ फैमिलीज़ जो हैं यहाँ कुकिंग में बिज़ी हैं। बिल्कुल सादा लाइफ होती है इन लोगों की। अभी देख सकते हैं ओपन इनके किचन है, इधर जो है ये आटा गूंदा जा रहा है और यहाँ पे जो है चाय बनाई जा रही है। एक फैमिली जो है वो सामने कुकिंग कर रही है। चारपाइयों की कमी की वजह से एक ही चारपाई पर काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो सो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सारा साल सफ़र करना होता है, ये इनका परमानेंट हाउस नहीं होता, इसीलिए ज़्यादा सामान ज़्यादा चारपाइयाँ ले कर जाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि लोड के लिए इनके पास ये रेड़ियाँ होती हैं और इन्हीं के ऊपर ये ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो लोड कर लेते हैं। अभी इनका यहाँ पे एक रात का स्टे था और आज ये यहाँ से चले जाएंगे। मामा जी, आपकी रात कैसे गुजरी यहाँ पे? ठीक गुजर गई है। अच्छा, कल आप आए थे ना इधर, रात इधर रहे हैं, अभी आज फिर आप आगे चले जाएंगे? सही है। ये देखिए जी, एक रात का इनका यहाँ पे स्टे था और आज जो है ये आगे चले जाएंगे। एक फैमिली जो है वो यहाँ पे चाय बना रहे हैं। ये अभी देख सकते हैं डाची का दूध निकाला जा रहा है, दो दो लोग जो हैं मिलकर डाची का दूध निकालते हैं। एक फैमिली का कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, इनके बच्चे भी अभी तक सो रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना, अभी तक बच्चे उठे नहीं हैं और यहाँ पे ये लोग रात सोए थे खुले आसमान तले। यहाँ पे इनकी कैंपिंग हो रही है। एक जो इनका किचन है यहाँ पे है, ये कुकिंग कर रहे हैं और दूसरा उनका किचन जो है वो वहाँ पे है, इधर कुकिंग हो रही है। अभी चाय में जो है ना दूध डाला जा रहा है। इधर भी चाय में दूध डाला जा रहा है, इन्होंने भी चाय बनानी है। चाय पीने के बाद फिर डाचियों का दूध निकालना और नाश्ते की तैयारियां करनी है। चाचा जी, अगे फिर किस साइड नु जाओगे? जानवर अगे किधर नु लेके जाओगे हुण? अच्छा अच्छा, पिछो किस साइड तू लेके आए हो? अच्छा, रात फिर कैसे गुजरी थे? चलो जबरदस्त। फिर गर्मी तो कोई नहीं रात? गर्मी बस, गर्मी है। रात गर्मी है सी वैसे। आज हवा बंद है। हवा का है। वे पति कल कर जा। यहाँ पे फैमिली की चाय जो है वो तकरीबन तैयार होने को है। यहाँ आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सामने सूरज भी तुलू होना शुरू हो गया और फैमिलीज जो हैं उनकी कुकिंग भी जारी है सारी है। चाय बन गई है और अभी ये खातून जो हैं ये अपने बच्चों को चाय दे रही हैं। ये देखें जी, डाची का जो बच्चा है अपनी माँ का दूध पी रहा है। इन लोगों का कोई परमानेंट हाउस वगैरह तो नहीं होता, इसलिए ज़रूरियात की चीज़ें जो होती हैं वो एक ही रेढ़ी के ऊपर लोड करके ले आते हैं। उसमें इनके बिस्तर वगैरह भी होते हैं, बाकी ये खाने पकाने की चीज़ें जो हैं ये इन्होंने रखी हुई हैं
और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रंक है जिसको लॉक किया हुआ है। इसके अंदर इनका कोई कीमती सामान होगा, जैसे कि पैसे वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें जो इन्होंने रखी हुई हैं। बच्चों का जी आपस में मुकाबला लगा हुआ है, देखते हैं पहले चाय खत्म कौन करता है। मुकाबला है आपका, देखते हैं कौन खत्म करता है चाय पहले। पहले कौन खत्म करता है? आटा इन्होंने इस छोटी बाल्टी में स्टोर किया हुआ है और अभी ये कुकिंग के लिए आटा गूंदने लगे हैं। अभी इन्होंने रोटियां बनानी है, नाश्ते की तैयारी करनी है। इन लोगों को डाचियों के साथ साथ छोटे जानवरों का भी शौक होता है। ये देखें, ये एक बकरी है और यहाँ पे एक भेड़ बैठी हुई है। इनके बच्चे जो होते हैं ना, इन छोटे जानवरों के ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो सर रखिए अन शौक तुम। इस फैमिली की चाय भी तैयार हो रही है और अभी ठंडी करके ये चाय पी रहे हैं। खाने के लिए इनके पास माचिस वगैरह नहीं है, तो उसकी चल से ये लकड़ियों की आग लेके आए हैं और अब इधर आग जो है वो जलाई जा रही है। देखें आग जलाने के लिए लोगों को कितना मसला पेश आता है, क्योंकि यहाँ पर गैस वगैरह की सहूलत नहीं होती और लकड़ियाँ भी जो हैं वो सारा रात जो है वो खुले आसमान तले पड़ी रही हैं, गीली हैं। ये देखें अभी आग नहीं जली, कोशिशें जा रही हैं। ये क्या गेम चल रही है? ये देखें जी बच्चों के काम, आटा लेके आ गए हैं। अभी इन्होंने यहाँ पे रोटियाँ बनानी हैं। जिंदा सन लाल बेचार जाते तो लाग जा सारा
सहरा में बैठे हुए हैं, इनके करीब कोई हैंडपम्प वगैरह तो नहीं है, इसीलिए कुछ फासले पर हैंडपम्प लगा हुआ है, वहाँ से ये पानी भरने के लिए ले जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं। बिल्कुल सिंपल लाइफ है इनकी, अभी देखें ज़मीन पर बैठती ये लोग खाना खा लेते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चों के काम देखें कितने होशियार होते हैं, ये देखें बकरी का दूध निकाल रहे हैं। ओए डाचियां दा भी दो चो लेंदे हो जैसे बकरी दा। निकाला जा रहा है, ये देखें डाची का बच्चा जो है अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ है और भाई जो है वो डाची का दूध निकालने में मसरूफ है। थोड़ा घर कितने है पीछे? चलो अच्छा अच्छा और फिर अपने घर कदों जाओगे? सर्दियों। सही है। सही है। कितने जानवर किन्ने टोटल थोड़े? सारे ये सारे। फिर जब बारिश बुरिश हो जाए फिर रात में कैसे उठे की लेके सोते हो? छापर ले लेते हैं, शीट जो होती है। अच्छा तो सब भी दूध चाहते हो डाचियां का चो लेंगे? अच्छा फ्रेंड्स सहरा में बर्तन इस तरह से साफ़ किए जाते हैं, ये देखें नीचे जो ज़मीन की रेत थी वो बर्तन के ऊपर उन्होंने अच्छी तरह से रगड़ी है और इसके ऊपर पानी डालेंगे और बर्तन जो है वो इस तरह चमक जाएंगे, बिल्कुल इनकी शफाफियत इनमें आ जाएगी। डाचियों वाले आए हुए हैं और उन्होंने आर्जी तौर पे कैंपिंग की हुई है, आप सामने देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे अपने आर्जी कैंप लगाए हुए हैं। इनकी इस तरह से सिचुएशन होती है कि ये जहाँ भी जाती हैं एक आध दिन के लिए डेरा लगाते हैं, उसके बाद अगले दिन ये मूव कर जाते हैं। इसी तरह पूरा साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चलते फिरते रहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने जानवरों की चरागाह की खातिर पूरा साल मुल्क में चलते फिरते रहना होता है। अभी देखें शाम हो चुकी है और इनके जानवर जो हैं चर के वापस आ चुके हैं, हर तरफ इनके जानवर जो हैं वो फिर रहे हैं। अभी इन्होंने जाके जानवरों को बिठाना है और इनकी खवातीन जो हैं वो अभी कुकिंग की तैयारियां कर रही हैं, तो मैं वहां चल के आपको दिखाता हूं कि इन लोगों की कुकिंग किस तरह से होती है क्योंकि इनके ना तो कोई परमानेंट हाउसेस हैं और ना ही इनके कोई परमानेंट किचन होते हैं, तो ओपन किचन में बैठ कर किस तरह से इनकी खवातीन कुकिंग करती हैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कम्प्लीट वीडियो देखिए और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाची का छोटा सा बच्चा जो है वो अपनी माँ का दूध पी रहा है। ये देखें डाची के छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे खुले आम फिर रहे हैं।
और सामने जो है डाचियाँ वो सहरा में चल रही हैं। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं ये टाली के पत्ते और उसके साथ दरख्त के पत्ते जो मिक्स हैं ये तोड़ के ले आए हैं और टब भर लिया है। ये इनके जो जानवरों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं डाचियों के, उनके लिए ये चारा है, रात के टाइम उनको खिलाया जाएगा। फ्रेंड्स समझ लें कि यही इनका स्टोर रूम है, रेड़ी के ऊपर ही इन्होंने सामान लोड किया होता है, ज़रूरियात की ये देखें चंद चीज़ें जो है इन्होंने रखी हुई हैं। और यहाँ पे इनके बिस्तर वगैरह हैं जो रात को सोने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी आर्जी तौर पे किचन बनाने के लिए ये लोग ईंटें लेके आ रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने अपना टेम्परेरी किचन बनाना है क्योंकि अभी किचन की तैयारियाँ शुरू करनी है, शाम भी हो चुकी है। और सामने वो देखें ट्रैक्टर ट्राली पे यहाँ की ख़वातीन जो होती हैं वो जा रही हैं क्योंकि कपास का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पे आजकल पाकिस्तान में कपास की चुनाई हो रही है ना, तो सारा दिन ख़वातीन जो होती हैं वो कपास की चुनाई करती रहती हैं और शाम को घरों की तरफ लौट जाती हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये जानवर जो हैं काफ़ी तादाद में इकट्ठे होकर आ रहे हैं क्योंकि शाम हो चुकी है और अभी यहाँ पर इन्होंने इस सहरा में आके जानवरों को बिठा देना है और कुकिंग की तैयारियाँ जो हैं वो शुरू करनी हैं। ये देखें सारा दिन चर के अभी जानवर जो हैं ये वापस आ चुके हैं। यहाँ पे देखें जी आग जलाई जा रही है और आग जलाने के लिए बड़ा मसला बनता है क्योंकि कोई गैस वगैरह की सहूलत तो नहीं है इनके पास, इसीलिए आग जलाने के लिए मसला होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो लकड़ियाँ होती हैं वो गीली होती हैं या उनको अच्छी तरह से आग नहीं लग रही होती। यहाँ पे देखें सामने जो है आटा गूंदा जा रहा है और उधर जो है कुकिंग के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। काफ़ी देर की मेहनत के बाद फाइनली आग जो है जला ली गई है, आप सामने देख सकते हैं ओपन किचन है और यहाँ पे कुकिंग हो रही है। कुछ जानवर जो होते हैं वो शरारती टाइप होते हैं, इसीलिए जब शाम के टाइम ये यहाँ पे लेके आते हैं जानवरों को, इनके जो घुटने होते हैं उनको बांध दिया जाता है। अभी देखें इसकी टांग को बांध दिया गया है ताकि ये भाग ना जाए, अगर ये एक जानवर भागता है तो इसके पीछे बाकी सारे जानवर भाग जाएंगे, इसीलिए देखते हैं कि जो शरारती जानवर हों उनकी टांगें बांध दी जाती हैं। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एक फैमिली वहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, एक फैमिली जो है उनकी कुकिंग यहाँ पे हो रही है और सामने जो है इनके जानवर बैठे हुए हैं। अम्मा जी आज आप क्या बना रहे हैं? भिंडी। भिंडी तोरी बना रहे हैं? कितनी देर तक सालन जो है ये तैयार हो जाएगा? देखिए जी आधे घंटे का प्रोसेस है और आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं आटा भी गूंदा जा रहा है क्योंकि अभी शाम होने वाली है, तो शाम होने से पहले पहले इन्होंने अपनी कुकिंग की तैयारियाँ जो है वो फाइनल करनी है। फ्रेंड्स सामने आप देख सकते हैं डाची के जो बच्चे हैं ना वो अपनी माँ के साथ फुल मस्तियाँ कर रहे हैं। अभी आप देखें, ये देखें डाची का जो बच्चा है अपनी माँ के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। फ्रेंड्स सामने देखें डाची का छोटा सा बच्चा जो है ना वो अपनी माँ का दूध पी रहा है। फ्रेंड्स शाम भी हो चुकी है और तकरीबन जो फैमिलीज़ हैं ना उन्होंने अपनी कुकिंग फ़ाइनल कर ली है और कुछ फैमिलीज़ जो हैं अभी कुकिंग स्टार्ट करने लगे हैं। आप देख सकते हैं हर फैमिली का अपना अपना कैंप लगा हुआ है। देखें फ्रेंड्स इनके छोटे छोटे बच्चों को भी अपने जानवरों से मोहब्बत होती है, जो पत्ते ये तोड़ के लेके आए थे ना अभी अपने जानवरों को खिला रहे हैं। डाचियों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको ये खिलाते हैं। अभी ये बच्चे ने हाथ में पत्ते पकड़े हुए हैं।